नमस्कार दोस्तों, आपके इंडियन राज व्लॉग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम, महाराष्ट्र पुलिस, झड़पी, आरोग्य, एमआईडीसी एग्जाम्स के लिए उपयुक्त ऐसे क्वेश्चन क्यूज जो करंट के है आपके लिए लाया हूँ। उसमें का पहला क्वेश्चन, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को कौन सी अवार्ड से सम्मानित किया है, तो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया है। दूसरा सवाल, यूकैश नाम की सुविधा किस संदर्भ में है, तो यूकैश नाम की सुविधा बैंक के संदर्भ में है, वो यूको बैंक के संदर्भ में है। भारत के परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, ये तीसरा सवाल है, इसका आंसर रवीश कुमार जी है। चौथा सवाल, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप के नए प्रमुख कौन है, अजीत डोवाल जी को स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप के नए प्रमुख बनाए हैं। पांचवा सवाल, हाल ही में प्लास्टिक से डीजल ट्रांसफर के लिए पहले संयंत्र का विमोचन कहाँ हुआ, वो मथुरा में हुआ। छठा सवाल, विजय पाटिल को किस राज्य के क्रिकेट टीम का अध्यक्ष चुना गया, वो मुंबई क्रिकेट टीम के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र राज्य में है। सातवा सवाल, 21 अक्टूबर को भारत के किस पश्चिमी राज्य में इलेक्शन समाप्त हुए, वो महाराष्ट्र में हुए जो पश्चिम में भारत के पड़ता है। आठवां सवाल, भारत के किस राज्य के राजधानी को पहली ग्रीनफील्ड राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को हुआ। नौवां सवाल, गोवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री भाऊ साहेब बांदोड़कर थे। दसवां सवाल, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है, वो मुंबई में शुरू हुआ है। ग्यारहवां सवाल, किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में नोटा बटन को आभासी प्रत्याशी घोषित किया है, वो महाराष्ट्र राज्य के चुनाव आयोग ने किया है। बारहवां सवाल, भारत के राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु किसके साथ $200 मिलियन का करार किया है, तो विश्व बैंक के साथ किया है। तेरहवां सवाल, भारत सरकार ने किस देश में निर्मित राष्ट्रीय ध्वज के आयात को रोक लगाई है, तो चीन में निर्मित। चौदहवां सवाल, हाल ही में किस स्थान पर एक नया परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, हरियाणा के गोरखपुर में। पंद्रहवां सवाल, भारत के किस राज्य में 2019 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया था, वो गोवा में किया जाएगा 20 से 28 नवंबर। ऐसे ही करंट क्यूज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।